हेलो स्टूडेंट्स, चैनल डाउट नट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 5 के बाकी बचे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? बच्चों, 3 अंकों की संख्याएं शुरू होती हैं 100 से और वो चलती हैं 999 तक। यहाँ पर हमें संख्या बतानी है जो 7 से विभाज्य हो। तो 7 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या है 3 अंकों की 105। उसके बाद अगली संख्या होगी 112 और लास्ट संख्या 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है वो है 994। तो ये हमारे पास संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है, 105 से लेकर के 994 तक। तो पहली संख्या 105 है और लास्ट है 994। अंतिम संख्या हमारे पास 994 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए एन 994 अंतिम पद है जो वो क्या है 994। ए यहाँ पर है हमारे पास पहला पद है 105। डी सार्वंतर होगा दूसरा पद घटा पहला पद, 112 घटा 105 सात, अंतर सात का है क्योंकि 7 से विभाज्य। अब यहाँ पर हमें इन संख्याओं को मालूम करना, कितनी संख्या एन का मान निकालना है हमें। ए एन बराबर होता है ए जमा एन घटा एक डी, ये सूत्र इसका यूज करेंगे। ए एन 994 बराबर ए पहला पद 105 जमा एन घटा एक, एन में मालूम करना है डी सार्वंतर है 7। हल करेंगे 994 बराबर 105 जमा 7 से गुणा करेंगे 7n घटा 7। आगे हल करेंगे इसको, 994 बराबर 105 में से 7 को घटाएंगे, ये हमारे पास बचेगा 98 जमा 7n। आगे हल करेंगे 98 को 98 को इधर लेके आएंगे, 994 घटा 98 बराबर 7n, या यहाँ से हम कह सकते हैं कि 7n बराबर 994 में से 98 को घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 896, या हो जाएगा 896। n का मान n हो जाएगा 896 भाग 7, 7 से भाग करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 128। n का मान 128, अतः हम कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं उनकी संख्या है 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? गुणज से मतलब है वो संख्याएं जो 4 से विभाजित होती हैं, जैसे 4, 8, 16, 12 इस तरह से। तो हमें बताना है कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी पूरी भाग होती हैं। पहली ऐसी संख्या 10 के बाद जो 4 से विभाजित होती है, 4 का गुणज है वो है 12। 12 के बाद अगली संख्या आएगी 16। 250 के नजदीक की वो संख्या जो 4 से भाग होती है वो संख्या हो जाएगी 248। अब ये बताना है कि 12 से लेकर के 248 तक कितनी संख्याएं 4 से भाग होती हैं। एन यहाँ पर हमारे पास अंतिम पद है 248। 248 वो अंतिम संख्या है 250 के पास की जो 4 से विभाजित होती है, 4 का गुणज है। ए पहला पद है हमारे पास 12, पहली संख्या जो 4 का गुणज है वो 12 है 10 के बाद की, क्योंकि हमें 10 और 250 के बीच की लेनी है। डी सार्वंतर हमारे पास हो जाएगा दूसरा पद घटा पहला पद, 16 घटा 12 4। एन का मान हमें निकालना है कि कितने गुणज हैं। ए एन का सूत्र होता है ए जमा एन घटा एक डी, ए एन अंतिम पद 248 बराबर पहला पद ए 12 जमा एन घटा एक डी, एन हमें मालूम करना है, डी सार्वंतर है 4। इसको आगे हल करेंगे, 248 बराबर 12 जमा 4 से गुणा करेंगे 4n घटा 4। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 248 बराबर 12 घटा 4
ये बचेगा 8 जमा 4 एन, एन का मान यहां से निकालेंगे 248 घटा 8 बराबर होगा 4 एन, या यहां से हम कह सकते हैं कि 4 एन बराबर हो जाएगा 240। 4 एन का मान हमारे पास है 240, यहां से एन का मान निकालेंगे एन बराबर हो जाएगा 240 भाग 4 60, एन का मान आ गया 60, एन की वैल्यू हमने निकाल ली 60। तो एन हमें फाइंड आउट करना था इसके अंदर, तो एन बराबर है 60। तो हम कह सकते हैं कि 10 व 250 के बीच 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होती है या 4 का गुणज है। तो एन बराबर 60। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों के एनवे पद समान होंगे। हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि एन के किस मान के लिए इन दो एपीज के एनवे पद बराबर होंगे। यहां पर हमें एक तरह से ये दिया हुआ है कि एनवे पद बराबर है, हम एनवे पद को बराबर लेके चलेंगे और फिर दिखाएंगे कि एन के किस मान के लिए बराबर है। पहली एपी है 63, 65, 67, ये इस एपी के लिए ए एन एनवा पद हो जाएगा ए जमा एन घटा एक डी। इस सूत्र से ए पहला पद, पहला पद है 63 जमा एन घटा एक डी, डी है सार्वांतर, 65 घटा 63 दो। इसको आगे हल करेंगे, ये आएगा 63 जमा, इसे आगे हल करेंगे ये आएगा 63 जमा 2n घटा 2, या ये कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा 2n जमा 61। दूसरी एपी को लेकर चलते हैं, दूसरी एपी है 3, 10, 17। इस एपी के लिए एनवा पद हो जाएगा ए एन, इसको हम कैपिटल ए ले लेते हैं, अलग है इसको ए मान लेते हैं, बड़ा ए एन, इसका एनवा पद ये बराबर होगा ए जमा एन घटा एक डी। यहां पर डी, इसका डी है वो अलग होगा, सार्वांतर अलग होगा, इसको हमने कैपिटल डी ले लिया, क्योंकि ये एपी है वो दो एपी अलग अलग एपी है तो इनका सार्वांतर भी अलग अलग है। ए पहला पद, इस एपी का पहला पद है 3 जमा एन घटा 1, एन दोनों के लिए समान रहेगा, क्यों, क्योंकि हमें बताना है कि एन के किस मान के लिए, क्योंकि हमें बताना है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर होंगे, तो एन दोनों में सेम रहेगा। जब गुणा डी, यहां पर सार्वांतर है 10 घटा 3 7, इसको हल करेंगे 3 जमा 7n घटा 7, ये हो जाएगा 7n घटा 4, 3 घटा 7 घटा के 4 बचेंगे। दोनों ap के nवे पद बराबर होंगे, nवे पद बराबर होंगे, ये दिया हुआ कि n के किस मान के लिए nवे पद बराबर होंगे। अब हमें n का मान निकालना है, n का मान निकालने के लिए हम इनके nवे पदों को बराबर रखेंगे। इस एपी का एनवा पद है 2n जमा 61 बराबर, इस एपी का एनवा पद है 7n घटा 4, दोनों को हल करेंगे, 2n को उधर लेके जाएंगे, 4 को इधर लेके आएंगे, 2n को उधर लेके जाएंगे, 4 को इधर लेके आएंगे, 61 जमा 4 बराबर 7n घटा 2n, यहां से हमारे पास 65 बराबर 5n, या ये कह सकते हैं कि 5n बराबर 65, n का मान हो जाएगा 65 डिवाइड 5, n का मान हो जाएगा 65 भाग 5 13, n का मान हमने निकाल दिया 13। अतः हम कह सकते हैं कि
एन के इस मान के लिए दोनों एपी के एनवे पद बराबर होंगे, एन बराबर 13, यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमें एपी दी हुई है और ये पूछा गया है कि इस एपी में अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें हमें एपी में शुरू से पद पूछा गया था कि शुरू से 10वां पद या 20वां पद या 50वां पद क्या होगा। सबसे पहले हम इस निकालेंगे कि इस एपी में कितने पद हैं, कुल कितने पद इस एपी में हैं, तभी हम उसके अंतिम पद से 20वां पद निकाल पाएंगे। एपी हमें दी हुई है 3, 8, 13 और अंतिम पद है इसका 253। सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस एपी के अंदर कुल कितने पद हैं। हमें अंतिम पद दिया हुआ है लेकिन ये नहीं पता कुल कितने पद हैं, तो सबसे पहले हम इस एपी के कुल पद ज्ञात करेंगे कि कुल इसमें कितने पद हैं और फिर हम पता लगाएंगे अंतिम पद से 20वां पद। एपी दी हुई है 3, 8, 13, 253, इसका अंतिम पद है 253। अंतिम पद हमारे पास होता है एल, एल बराबर है 253 और एल का सूत्र होता है ए जमा एन घटा एक डी। वही सूत्र है जो हमने किया था ए एन के लिए, ए एन भी वहां पर एन अक्षर होती है, एनवा पद होता है, एक तरह से वो अंतिम पद कह सकते हैं। तो यहाँ पर वही सूत्र लगेगा, यहाँ पर ए जमा एन घटा एक डी, एल का मान है 253 बराबर ई पहला पद 3 जमा एन घटा एक डी सार्वंतर होगा दूसरा पद घटा पहला पद, डी हो जाएगा 8 घटा 3, 5, 253 बराबर 3 जमा 5 n घटा 5, इसको गुणा किया हमने, ये हमारे पास होगा 253 बराबर 3 घटा 5, यह आएगा 5n घटा 2, 3 घटा 5 घटा 2, 253 बराबर 5n घटा 2। यहां से हमारे पास 5n का मान हो जाएगा 253 जमा 2, ये कह सकते हैं कि 5n बराबर 255 और n आ जाएगा 255 भाग 5, n का मान यहां से आएगा 51, n हमने निकाल लिया यहां पर 51। हमारे पास कुल इस एपी में 51 पद हैं, इस एपी में कुल पद है 51। अब हमें अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, तो हम ये मालूम करेंगे कि जो पद पीछे से 20वां पद है आगे से वो कौन सा पद होगा। तो उसके लिए सिंपल सा क्या करना, आपने कुल पद है यहां पर 51, 51 में से घटाएंगे हम 20 और उसमें फिर ऐड कर देंगे 1, ये हमारे पास आएगा 51 में से गया 20, 31, 31 जमा 1, 32। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस एपी में अंतिम पद से 20वां पद वही होगा जो इस एपी में शुरू से 32वां पद होगा, मतलब इस एपी में जो स्टार्टिंग से 32वां पद होगा वही इस एपी का अंतिम पद से 20वां पद होगा। तो हम निकालेंगे इसका 32वां पद A32, सूत्र लगाएंगे ए एन का, ए जमा एन घटा एक डी, ए पहला पद है 3 जमा n, n है यहाँ पर 32, क्योंकि 32वां पद निकाल रहे हैं, n हमारे पास 32 घटा 1 डी सार्वंतर है 5, हल करेंगे ये बराबर होगा 3 जमा 32 घटा 1, 31 गुणा 5, यहां से ये आ जाएगा 3 जमा 31 गुणा 5, 155, 3 जमा 55, तो A32 पद हो जाएगा 158। तो इस एपी का 32वां पद 158 है, तो हम कह सकते हैं कि इस एपी का अंतिम पद से 20वां पद भी 158 ही होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें इस एपी का सम निकालना है, जोड़ निकालना है, सूत्र है SN, SN का मतलब यहां पर है n पदों का जोड़, n पदों का सम, n बटे 2, 2 जमा n घटा 1 d, ये सूत्र लगाएंगे इसमें। एक सूत्र हमारे पास ये भी होता है SN निकालने का कि SN बराबर n बटा 2 a जमा
एल, जहां पर एल है अंतिम पद। अगर हमें पहला पद और अंतिम पद दे रखा हो तो सूत्र ये लगाएंगे कि एस एन बराबर एन बटा दो ए जमा अंतिम पद, ए जमा एल। अब इस क्वेश्चन में हमें एन का मान दिया हुआ है कि 10 पद है उसके अंदर, अंतिम पद नहीं दे रखे हमें, सिर्फ एन का मान दिया हुआ है, कुल उसके अंदर 10 पद है। तो ये सूत्र लगाएंगे यहां से, एस एन बराबर एन बटा दो, इसमें पद है 10 पद दिया हुआ है, तो 10 बटे 2, 2 गुणा a पहला पद 2 जमा n घटा 1, n का मान है 10 घटा 1 d सार्वान्तर, d यहां से होगा, दूसरा पद घटा पहला पद 7 घटा 2 5, d का मान आएगा 5, तो n घटा 1 गुणा d 5 से गुणा कर देंगे, 10 बटे 2 5, 2 गुणा 2 4 जमा 10 घटा 1 9 गुणा 5, 5 गुणा 4 जमा 9 गुणा 5 45 बराबर 5 गुणा 4 जमा 45 49, 49 और 5 की गुणा करेंगे, एस एन बराबर आ जाएगा 5 गुणा 49 245। तो यहां पर इस एपी के 10 पदों का जोड़ होगा 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस एपी में कितने पद लें कि जोड़ करने पर 636 आए। तो हमें यहां पर एक तरह से एन का मान निकालना है, एस एन हमें दिया हुआ है एन पदों का जोड़ 636। इस एपी के अंदर ए पहला पद है 9, सार्वत्र हो जाएगा 17 घटा 9 8। हमें निकालना है एन का मान कितने पद ले कि जोड़ करने पर 636 आए। एस एन का यूज करेंगे, एस एन बराबर होता है एन बटे दो, 2a जमा एन घटा 1d, इस सूत्र को लगाएंगे, एस एन का मान दे रखे 636, मान रखेंगे एन बटे दो, एन हमें निकालना है, 2 गुणा ए पहला पद 9 जमा एन घटा 1d सार्वांतर 8। हमने सिर्फ इसके अंदर एस एन का और ए और डी का मान रखा है, हल करेंगे इसको, 636 बराबर एन बटे दो, 2 गुणा 9 18 जमा 8 से गुणा करेंगे 8 एन घटा 8, इसको आगे हल कर लेंगे, बराबर होगा एन बटे दो 18 घटा 8 10, तो 8 एन जमा 10 बराबर 636। दो को इधर ले आते हैं, 636 गुणा 2 बराबर एन हमारे पास है, एन को अंदर लेके जाएंगे गुणा करेंगे 8 एन का वर्ग, एन की गुणा 8 एन से, एन की गुणा 8 एन से जमा एन की गुणा 10 से 10 एन, या ये कह सकते हैं हम कि 636 गुणा 2 1272 बराबर 8 एन की 2 जमा 10 है। यहां से हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाएगा 8 एन की 2 जमा 10 एन, इसको उधर लेके जाएंगे घटा 1272 बराबर 0। अब यहां पर हमें इस द्विघात समीकरण को हल करके एन का मान निकालना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 से काटेंगे 4 एन की 2 जमा 5 एन घटा 636 बराबर 0। हमने दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया, या ये कह सकते हैं कि यहां पर हमने 2 कॉमन लिया और फिर 2 यहां से हट जाएगा, क्योंकि 2 को उधर लेके जाएंगे हम 0 बटे 2 0 ही आएगा, या इसको हमने पूरे को 2 से भाग कर दिया, तो 4 एन की 2 जमा 5 एन घटा 636 बराबर 0। अब यहां पर हमें इसके गुणनखंड करने हैं और एन का मान निकालना है, गुणनखंड करेंगे इसके, 4 एन की 2 जमा
इस तरह से हमें दो जुड़े बनाने हैं कि जोड़ तो आए पांचन और गुणा आए 2544, इन दोनों की गुणा घटा के 2544 एन की दो, तो इस तरह गुणनखंड हमारे पास हो जाएंगे 53n घटा 48n, इन दोनों का जोड़ करेंगे 53n घटा 48n हमारे पास आएगा 5n, और गुणा करने पर आएगा इन दोनों के गुणा के बराबर घटा 636 बराबर 0, इन दोनों में कॉमन लेंगे हम n, अंदर बचेगा 4n जमा 53, यहां पर कॉमन आएगा घटा के 12, अंदर बचेगा 4n जमा 53 बराबर 0, इन दोनों में कॉमन है 4n जमा 53 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा n, यहां बचेगा घटा 12, n घटा 12 बराबर 0, या तो ये बराबर 0 होगा या फिर ये बराबर 0 होगा, पहले हम इसको लेते हैं 4n जमा 53 बराबर 0, 4n जमा 53 बराबर 0, यहां से 4n बराबर हो जाएगा घटा 53 और n का मान हो जाएगा घटा 53 बटे 4, n घटा 12 को लेंगे बराबर 0 के, n का मान यहां से आएगा 12, यहां पर हमारे पास n के दो मान आए हैं, एक मान है धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, अब n यहां पर कोई संख्या है, इस AP के अंदर कितने पद होंगे, तो जो पद होंगे वो कोई प्राकृत संख्या होगी, तो n का मान हम लेंगे धनात्मक, इस n के मान को नहीं लेंगे, तो n का मान हो जाएगा 12, अतः हम कह सकते हैं कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इस AP के 12 पदों को जोड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। इस क्वेश्चन में हमें 6 से भाग होने वाली पहली 40 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पहली संख्या जो 6 से भाग होगी वो है 6, 6 के बाद 12, फिर 18, इस प्रकार से ये हमारे पास एक एपी बन जाएगी 6 12 18, हमें निकालना है जोड़ एस एन, एन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40, क्योंकि क्योंकि इसमें कहा है 40 धन पूर्णांकों का, धन का मान हो जाएगा 40, ए पहला पद है 6 और डी सार्वंत्र होगा दूसरा पद घटा पहला पद 12 घटा 6, 6 से विभाज्य है तो अंतर 6 ही आएगा। एस एन बराबर एन बटे 2 ए जमा एन घटा 1 डी, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एस एन हमें निकालना है, एन है यहां पर 40, तो एस 40, एन बटा 2 40 बटे 2, 2 गुणा ए पहला पद 6 जमा एन घटा 1 40 घटा 1 गुणा डी, डी है 6 मान रखेंगे, एस 40 बराबर होगा 40 बटे 2 20, 2 गुणा 6 12 जमा 40 घटा 1 39 गुणा 6, हल करेंगे इसको, 20 अंदर 12 जमा 39 गुणा 6 234 बराबर 20 गुणा 12 जमा 234 ये हो जाएगा 246, आगे गुणा करेंगे 20 गुणा 246 ये आ जाएगा हमारे पास 4920, एस 40 का मान हो जाएगा 4920, अतः इस एपी में 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के गुणज क्या होंगे, 8 का पहला गुणज होगा 8, उसके बाद 16, 24, इस तरह से, और हमें दिया है कि 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, एस 15, एस 15 का मतलब है 15 पदों का जोड़, एन बटे 2 2 ही जमा एन घटा 1 डी, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस एपी के अंदर
एन का मान है 15, क्योंकि 15 गुणजों का योग बताना है। ए पहला पद 8 है, डी सार्वंतर 16/8, क्योंकि 8 के गुणज है तो अंतर 8 ही आएगा, 16/8 = 8, 5 के गुणज है तो 5 अंतर 5 आएगा, 8 के गुणज है तो अंतर 8 आएगा। मान रखेंगे एस 15 = n/2, 15/2, 2 × a पहला पद 8 जमा n घटा 1 15/1 गुणा डी, डी है 8, आगे हल करेंगे इसको 15/2 2 × 8 16 जमा 15/1 14/8 एस 15 = 15/2 गुणा 16 जमा 14/8 14/8 ये हो जाएगा 112। आगे जोड़ेंगे 15/2 गुणा 16 जमा 112 128 बराबर, 2 से काट देंगे इसको, 15 × 64 गुणा करेंगे ये आ जाएगा 960। एस 15 15 पदों का जोड़ है 960, यही हमारा आंसर होगा। तो इस एपी के प्रथम 15 गुणजों का योग हो जाएगा 960। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जो विषम संख्याएं होती है जो 2 से भाग ना हो, ओड नंबर, जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरह से, तो 0 और 50 के बीच की संख्याओं का विषम संख्याओं का योग करना है। तो सबसे पहले विषम संख्या हो जाएगी 1, ये भी बनाएंगे हम। सबसे पहली विषम संख्या होगी 1, 1 के बाद अगली विषम संख्या 3, 5 इस तरह से, और 50 तक की अंतिम संख्या, और 0 और 50 के बीच की जो अंतिम विषम संख्या होगी वो हो जाएगी 49। एपी हमारे पास बन चुकी है, इसका योग ज्ञात करेंगे। एस एन बराबर होगा n/2 2a + n·1 डी। अब यहां पर हमें n का नहीं पता कि n कितने, यहां पर इस सूत्र में हमें n का मान चाहिए, a का मान और d का मान। a का मान हमारे पास है, d का मान है, लेकिन यहां पर n हमें नहीं पता। तो पहले हम n को मालूम करेंगे कि इस एपी के अंदर कितने पद होंगे 1 से लेकर के 49 तक विषम संख्याओं के। ए एन बराबर होता है a + n·1 डी, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए एन अंतिम पद है इसका, या एनवा पद है 49 बराबर, ए पहला पद 1 + n·1 डी, डी है यहां पर 3/1 2, 49 = 1 + 2 से गुणा करेंगे 2n·2 49 = 2n 1 − 2 − 1, यहां से 2n हो जाएगा 49 + 1 = 50, और यहां से 2n हो जाएगा 50, n का मान आएगा 50/2 25, n हमने मालूम कर लिया 25। इस एपी के अंदर 25 पद हैं 0 से लेकर 50 तक जो विषम है। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे, एस एन हमें निकालना है 25 पदों का योग। एस 25 बराबर होगा n/2 25/2, अब सूत्र आप ये भी लगा सकते हैं, और दूसरा सूत्र हमारे पास है एस एन बराबर n/2 पहला पद जमा अंतिम पद, ये सूत्र भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी सूत्र हम लगा सकते हैं। इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, इसको हम कई बार कर चुके हैं। एस 25 बराबर होगा n/2, n है 25, पहला पद a, पहला पद है 1 जमा अंतिम पद, अंतिम पद है 49। एस 25 बराबर
पच्चीस बटे दो गुणा एक जमा उनचास पचास, इसको काटेंगे हमारे पास आएगा एस पच्चीस बराबर पच्चीस गुणा पच्चीस 625। अतः हम कह सकते हैं कि इस एपी के पदों का जो जोड़ होगा या 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग होगा वो होगा 625 के बराबर। तो बच्चों हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे।